फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अहमान को जस्टिस वकार सेठ की कब्र पर जाकर माफ़ी मांगने का हुक्म दिया गया है। पिशावर की खसूसी अदालत को के जज वकार सेठ के खिलाफ फर्जा सराई पर तोहीन अदालत केस में वफाकी वजीर फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अहमान ने पिशावर हाईकोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। पिशावर हाईकोर्ट ने परवेज मुशरफ को फांसी की सजा सुनाने वाले खसूसी अदालत के जज वकार सेठ के खिलाफ वफाकी वजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तोहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी और साबिक मामले खसूसी फिरदौस आशिक अहमान अदालत में पेश हुए। दोनों ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। जस्टिस रूहुल अमीन ने उनसे कहा कि जिस जज की दिल आज़ारी की उनकी कब्र पर जाकर दुआ करें और माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला भी गफूर रहीम है, दरगुजर को पसंद करता है, लेकिन जिस बंदे की दिल आज़ारी की हो उससे माफ़ी मांगना ज़रूरी है। आप उनके कब्र पर जाएं, उनसे माफ़ी मांगें, फिर हमारे पास आ जाएं। आप ज़िम्मेदार लोग हैं, अगर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो आम आदमी क्या करेगा। अदालत ने दोनों को तहरीरी हलफनामा जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा कि आप हलफनामा जमा करवाएं, फिर हम आर्डर देंगे। याद रहे कि जस्टिस वकार सेठ ने यह हुक्म दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ को फांसी दी जाए और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो घसीट कर डी चौक की तरफ लाया जाए और डी चौक पर उन्हें सरेआम फांसी दी जाए। इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत की बका और सलामती के लिए यह वाज़ किया गया कि पाकिस्तान में अवाम के हक हुक्मरानी पर किसी किस्म का डाका नहीं डाला जा सकता। आने वाले दिनों में इस केस के मुतालिक मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते रहेंगे। आप हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए।